भाई थोड़ा काम कर लो, साड़ी पहननी है हैं। तो यहाँ नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो अभी हम लोग हैं सोनवास में और रमा जी की सतारी एकदम चालू है। तो मैंने आज व्यत की है रेड कलर की साड़ी दीदी की, जो कि लेकर आई थी, और मैंने गरम डाल लिया है। वैसे मैंने कट स्लीव ब्लाउज पहना था, लेकिन सर्दी को देखते हुए, सर्दी है नहीं उतनी नहीं है क्योंकि धूप निकल आई है, धूप होती है तो सर्दी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन शाम को बहुत सर्दी होती है। तो हमारी चाय आ गई है और मैं इनका वेट कर रही हूँ। ये गए हैं गाड़ी पैक करने और मैंने साड़ी वेयर कर ली है। बाकी फाइनल लुक आपको अभी खरीदे में देखने को मिलेगा। बाकी इन्होंने वेयर किया है ये, और रामांगी का भी फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी हम लोग पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है और मैंने अभी ऐसे नॉर्मल सा चूड़ा लगा लिया है। आज मैंने किया थोड़ा सा भी कम, मतलब ऊपर लाइनर लगाया है मैंने, क्योंकि यार थोड़ा साड़ी वाड़ी पहनी तो बनता है ना। यहाँ पर रामांगी मेरी रेडी हो गई है, देखो कितनी क्यूटी क्यूटी पाई लग रही है। तो अभी ये मुझे प्यार कर रही थी, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो इसने नहीं किया प्यार, और वैसे इसका जब मन करता है तो प्यार कर लेती है। तो अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं, बहुत सारी वीडियोस बनेंगे, फोटोशूट होंगे जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगे, है ना। फिलहाल सच में बच्चा बहुत अच्छा है, वरना बच्चों को ले जाने में हालत खराब हो जाती है। इसने कोई कोई भी चूचापाड़ नहीं की, मतलब बहुत ही शांत। कल हम लोग 4 घंटा जाम में रहे, कोई और बच्चा होता रो के हालत खराब कर देता। दूध भी नहीं था ना रमंगी, दूध भी नहीं था, तब भी उसने मैनेज किया यार। मतलब अच्छा लगा हमें कि बच्चा हमारा इतना सपोर्टिव है। तो चलो फिलहाल चलते हैं फटाफट से। मेरे लुक पे बच्चा ना, लुक में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जब वीडियो बनेगी ना प्रॉपर तरीके से तब अच्छा आएगा। बट मैंने अभी जुड़ा उड़ा बांध रखा है, सो ऐसे ही लग रहा होगा। तो चलो चलते हैं, रास्ते में आपसे मिलते हैं। गाना था दिल खो गया, खो गया गाना। तुम लाली माँ हो गई हैं, तुम तो लाली माँ हो गई। चश्मा लगा लो अपना, रमंगी चश्मा लगाएंगे, चश्मा हम लोग निकल गए हैं थोड़ा बहुत वापसी रास्ते के लिए। हम लोग उसी वापसी रास्ते चले गए हैं। कहाँ पर? हम लोग बालटाल जा रहे हैं, थोड़ा वापस जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। और हाँ 10 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। मौसम आप देख ही सकते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और सामने आप चमकीले पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पर बर्फ गिरी हुई है काफी, और ये ताजी बर्फ है। और सामने का व्यू आप देख ही सकते हैं क्या बेहतरीन है। वो देखो सामने जब फ्लाईओवर बन जाएगा सुरंग वाला, हाँ। तो वो देखो सामने सुरंग का काम शुरू हो गया, यहाँ से नया फ्लाईओवर बनाया, यहाँ से सन्नाते हुए जाओगे, फ्लाईओवर पे चढ़ोगे सीधे सुरंग में घुस जाओगे। मतलब आपको इतने बेहतरीन नजारे इतने अच्छे से नहीं दिखा करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कहाँ का है आज का आशियाना हमारा। फाइनली हम किसी भी जाम से नहीं बच सकते हैं। अभी ये भेड़ों ने इतना बुरी तरीके से हमें घेर लिया था कि हम जैसे तैसे बस रेंग रेंग के जा रहे हैं, और भेड़े बहुत सारी हैं यार, बहुत ही ज्यादा है। जो ऊपर वाला रास्ता है कल उससे आए थे अपने लोग, जो ऊपर जा रहा है। अच्छा, अच्छा। वो रास्ता वही लेह वाला है, और ये रास्ता जो इधर वाला जो है अपना, अच्छा। ये बालटाल का है, यहाँ से 9 किलोमीटर बालटाल है, अमरनाथ जी का बेस कैंप है। अमरनाथ जी की शॉर्टकट वाली यात्रा यहाँ शुरू होती है। अच्छा, चलो दिखाते हैं अपने लोगों को यात्रा की क्या तैयारियां हैं। भेड़ों से बच बचा के लड़ लड़ा के हम लोग निकल आए हैं मस्त से रोड पर। ये देखो सामने नदी है, रंग कितना प्यारा है ना नदी का, हरा हरा लाइट हरा सा है। हाँ कितना प्योर पानी है,
तो यहाँ चल रहा है टनल का काम, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज बना रखी है, पानी एकदम तपी शुद्ध एकदम, तो यहाँ पर टनल बन जाएगी। फिर देखते हैं कैसा क्या भीड़ भाड़ का रहेगा भाई। कल तो बहुत भीड़ थी, गजब भीड़ थी कल। तो ये देखो स्वर्ग दिख रहा है, दिखाए कितना छिपाए, सब कुछ दिखाने को है ये बेटा, सब कुछ दिखा। देखो मतलब बर्फ के पहाड़ है, हरियाली है, और ये जो रोडे हैं ऊंची नीची, इनमें बहुत बड़ी मस्ती है, पेट में बिकट। ये देखो, तो आज का हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है, थोड़ी देर में बताइए क्योंकि फ्लॉप हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो तो भाई लोगों, ये लोकेशन देख रहे हो ना, सरप्राइज बताऊं, आज यहाँ पे होगी कैंपिंग। जीवर घूमो और बाबरी जोड़ी आशी यहाँ पे टिक गए हैं। आप अपनी तैयारी की जाएंगी कैंपिंग की, गाड़ी में बेड लगाया जाएगा। भाई थोड़ा काम कर लो, साड़ी पहनी मैंने आज, साड़ी पहनी। साड़ी पहनी तो काम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। आ रहा की क्या कर रही है बताइए। तो गाड़ी को मैंने साफ कर लिया है फिलहाल, कर रहा हूँ इनफेक्टली, और थोड़ा पानी की व्यवस्था भी नदी से भर के डालूंगा, तो गाड़ी को तो चमका दूंगा मैं भी, क्योंकि गाड़ी का साफ होना बेहद जरूरी है भाई। तो यहाँ पर हो रही है गाड़ी साफ, देख सकते हो रमांगी कितना खुश है। बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी गाड़ी, बहुत ही ज्यादा, सो अब साफ कर रहे हैं इसको। रमांगी कैसे देख रही है, मांगी अपना चश्मा के संग मस्ती करते हुए, लगा के तो दिखाओ। इनकी चेयर डाल दी है, ये बैठी, अब हम लोग सेटअप बना लेते हैं फटाफट से। आज क्या दिखाने वाले हैं हम लोग? आज दिखाने वाले हैं कि गाड़ी में बेड सेटअप कैसे लगता है, किचन कैसे बनता है, और खाना कैसे बनता है, कैंपिंग किस तरह से होती है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो पहले क्या करना है, सबसे पहला काम है इस सीट को खोलना, ठीक है। देखो यह है बोल्ट खोलने का इंस्ट्रूमेंट, इसको इस तरह से आगे बढ़ाना है, पीछे का जो सामान थोड़ा बहुत हटा देंगे, और ये जो बोल्ट है ना, ये वाले, ये खोल लेंगे ऐसे करके। हमारा बेड तैयार हो गया है, सीट को इस तरह से घुमा दिया था, इसकी फोम अलग से बनवाई है, वो रखी हुई है, रवांगी यहाँ बैठ गई है, और पीछे से हम इसे देखेंगे तो हमारा बेड जो है इस तरह से मस्त तैयार है। मैं, रवांगी और रवांगी की माँ, तीनों लोग आराम से लेट सकते हैं, कम्बल भी तैयार है। अब किचन की तैयारी होगी, देखते हैं क्या बनता है। इनने सिंहासन कहाँ बनाया है अपने गाड़ी के ऊपर, फॉर्म के ऊपर बैठ गई है और मस्त खेल रही है। जल्दी आ जाओ, देखो देखो देखो, फाइनली यहाँ मैं तहरी के लिए आलू काट रही हूँ, प्याज मैं काटने वाली हूँ, और सारा सामान मैंने निकाल लिया है, वो वहाँ पर चावल धुलने गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो वो देखो वो चावल धुलने गए हैं, आज चावल धुल के ला रहे हैं, पानी लेने गए हैं, ले आए, मजा आ रहा है। हमने कहा था हम पीछे पड़े थे जल्दी से, तहरी छोके तहरी छोके तहरी छोके, देखा तो टाइम अभी 5:30 बचा हुआ है, तो सोचा ऐसा करते हैं चाय बना लेते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं चाय, और चाय बनाएंगे उसके संग कुछ खा पी लेंगे छोटा मोटा, उसके बाद तहरी छोकेंगे।
प्लान ड्रॉप हो गया था तैयारी का, थोड़ी देर के लिए पेंडिंग डाल दिया उसको कि भैया थोड़ी देर में बनाना, अभी 5:30 बजे अभी से बना लेंगे तो रात में भूख लगेगी, फिर तो बना लो चाय। और चाय दो लोगों की और बढ़ गई है, इधर भाई लोग कैंपिंग कर रहे हैं उनकी चाय और बढ़ाई है हमने, और हम जो है मिलके चाय पियेंगे इस मस्ताने मौसम में गर्मा गर्म चाय अच्छी पत्नी के साथ, उससे अच्छा और क्या चाहिए। है ना मस्त मौसम, कौन कौन ऐसी कैंपिंग करना चाहता है भाई, ऊपर देखो स्नोफॉल हो रही है, अगर ऐसा ही रहा यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्नोफॉल हो जाएगी। ऐसा हो गया ना, अगर यहाँ पे स्नोफॉल हो गई तो ये हमारी वेस्ट कैंपिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी पहली कैंपिंग इतनी अच्छी जगह पे इतने अच्छे स्नोफॉल के साथ, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, अगर स्नोफॉल हो गई तो कैसा लगेगा? तो तुम मस्त में इतना स्लो के क्यों बोल रही हो? अच्छा ठंडी लग रही है, चलो भाई चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। तो ऐसी मस्त लोकेशन पे कैंपिंग करने का था शिखा का सपना, जिसे बना लिया था मैंने अपना और अब कर दिया इसे पूरा। टंटना भाई साहब, ओले गिरने लगे हैं बहुत तेज की ओले, ये देखिए देखिए ओले अंदर भी आ रहे हैं ओले, हमारे बलंदे के छोले, और सामने का मौसम देखिए कितना खतरनाक हो गया है, ओले 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 छोले भटूरे। भाई साहब थोड़ा टेम्परेचर और डाउन और यही बन गई स्नोफॉल। हम लोग जाएंगे गाड़ी के अंदर और हमें गाड़ी के अंदर। रमन जी कैसा लग रहा है तुमको? रमन जी सोच रही ये कहां आ गए हम। तो आप देख सकते हैं बारिश का बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर रामांगी और रामांगी के पापा मस्ती कर रहे हैं, ठीक है पूरा। हम लोग अंदर पैक है पूरी तरीके से, हमारा बिस्तर पूरा तैयार है और फटाफट से अब हम देखते हैं क्या होता है। यार करो करो क्यों रो रही थी रामांगी? रामांगी क्यों? इन्हें पता है ऐसे करने से ये खुल जाएगा और जिससे कि ये दिखेगा। क्या हो रहा है, ये बारिश रुक गई? गजब की बात हो गई। और ये गए हैं बाहर, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। कैसा है? मस्त है भैया, आधा रवा की दिल्ली बाहर दिखा जल्दी। तो मौसम जो है वो खुल चुका है लेकिन ठंडी बहुत ज्यादा है यार, रात में माइनस हो जाता है टेम्परेचर। ये देखो रामांगी को कितनी मस्ती कर रही है, खुशी देखो। हाँ नहीं आएंगे बाहर भैया, ठंडी है सामने बर्फ को। ये देखो इनको मजे आ रहे हैं। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं मतलब नदी, ये जब हम लोग आए थे तो खड़े होकर भी पानी इतना नहीं दिख रहा था, अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ साफ साफ पानी दिख रहा है, मतलब इतना ऊंचा हो गया पानी, मतलब पानी का स्तर बढ़ गया है। अब पर मस्त हमने तहरी छोंक ली है और बाहर का जो नजारा है वो इस तरीके से है, मौसम खुल गया है, बारिश नहीं है बट ठंडी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम फटाफट से तहरी छोंक लेते हैं, नदी वाले व्यू पे। यहाँ पर रामांगी कर रही है मस्ती और बिस्किट खा रही है, फटाफट से छोंक लेते हैं, पता नहीं कब बारिश होने लगेगी कब क्या, तो फटाफट बनाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई हमारी तहली तो भाई हमारी तहरी का पिटारा खुल गया है, बस ये कुछ हल्की पीली है यार। नहीं वो बताए एक ही में ना हमारा मसाला। हाँ बहुत है भाई, बहुत है, सही है। हाँ ठीक है, इतनी काफी तो है। भाई जो जो तहरी लवर है स्पेशली दी, हाँ प्लीज कम हियर। फिर खा रही है, फिर खा रही है। अभी हाँ जला, अभी मुंह में सांसें अटका दी थी इस लड़की ने, टमाटर खा लिया था, टमाटर खाने का बहुत शौक है इन्हें। ऐसे क्या देख रही हो? क्या कर रही? सांस नहीं आ रही। चलो फिलहाल तहरी खा लेते हैं यार, बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। फिलहाल डिग्गी बंद कर ली है बढ़िया से हम लोगों ने, अब मस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा देखो बेड वगैरह लगा हुआ है। अभी अभी जब पूरा सेटअप तैयार होगा ना तो दिखाएंगे आपको। फिलहाल लाइट टांग रखी है अभी हमने और अभी जो है घी डाल के मस्त खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे लेट गए हैं, रामांगी देखो यहाँ पे लेटी है खेल रही है अभी भी, और ये जो है शिखा भी लेट गई है आराम से। हम लोग देखो मस्त कदे भी लेटा हूँ मैं, और मेरे पूरे पैर देखो आए हुए हैं कदे बढ़िया से। रामांगी भी लेटी है, रामांगी की माँ भी लेट गई है, हम लोग गाड़ी में आराम से लेट गए हैं। यार बाहर से आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है भैया, कुछ कर रहे हैं लगता। तो अभी वो जो भैया खड़े हुए हैं
आर्यन भाई को अभी अभी लेपर्ड दिखाया भाई साहब, हमारी सबकी हालत टाइट है, बहुत हालत टाइट है, बड़ा सोच रहे हैं कहाँ गलत फंस गए, क्योंकि अभी शाम को सीआरपीएफ वाले सर लोग वगैरह आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि लेपर्ड वगैरह आ जाता है तो तुम लोग संभल के कैंपिंग करना यहाँ पे। अभी उन्होंने लेपर्ड देखा हुआ है जो को इन्होंने शोर शराबा करके उसे भगा दिया था, हम उसे शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हाथ हमारे तो हाथ बहुत ही हालत खराब थी, बिल्कुल सांसें रुक गई थी भैया, ये पहली बार कैंपिंग की है मैंने तो मेरी हाथ सच में खराब है, कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, सबके सामने तो हमने तीन दिन की है, बाकी सबके साथ तो हमने की है कैंपिंग वो अलग चीज, लेकिन ये पहली बार है की जो, तो ये अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है की उनकी शरण में है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने हमें आर्यन भाई जैसे दिए हैं जिन्होंने एक्सप्लोर अच्छे से चीजों को कर रखा है, ये तो भूतों वाले गांव में भी रह रहे आए हैं जहाँ भूतों ने इनका फोन तक चलाया था, समझ में आई, बड़ा खतरनाक जगह पर हुआ है, इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। आर्यन भाई क्या हुआ था अभी भाई साहब? लेपर्ड आया था अभी। हाँ लेपर्ड, हमारी भैया हालत खराब था, आंखें चमक रही थी काफी, हाँ लेपर्ड था वो, पक्का लेपर्ड था भाई, खाना वाना बस खा के मैं तो जा रहा हूँ सोने, आप भी जा दो, आओ मेरी भी गाड़ी बंद कर दो, आप थोड़ा इधर मदद कर दो, मुझे डर लग रहा है, गाड़ी खुले रहने दो भैया, साइलेंट मत करना फोन, मैं सारा सामान गाड़ी में रख दूँ तब मैं आपका खिड़की विंडो सब कुछ बंद कर दूँगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फोन साइलेंट मत करना, पता चले कॉल करे, सुनो एक आवाज भी मारोगे ना मेरी तब भी आंखें खुल जाएंगी, बस आवाज ऐसी मारना ये जो शीशा खुला है यहाँ से आवाज मारना, कभी यहाँ से आवाज मारे तो आवाज भी नहीं जाएगी, ठीक ठीक भाई ठीक है। तो भाई ये जो भैया हैं बहुत सपोर्टिव हैं, हाँ तो हालत बहुत गंभीर है हम लोगों की, हम सोच रहे हैं इस ब्लॉक का कर देते हैं यहीं पे एंड करो, जय सिया राम भैया, कल सुबह मिलते हैं, अगर रहे तो अगला ब्लॉक आएगा तो रहे वरना नहीं रहे, जय सिया राम, मिलते हैं अगले के साथ, भगवान मेरी रामांगी की रक्षा करना महादेव, बाकी सब आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान क्षमा करना।